हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। तो चलिए, हम जो पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर के, उसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 बहुपद का क्वेश्चन है ना। प्रश्न नंबर 4 जैसे लिखा है, जब किसी बहुपद fx को x²-9 से भाग दिया जाता है तो शेष पद 3x+2 होता है। जब इसी बहुपद को हम x-3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो हमारे पास चलो कोई बहुपद fx दिया है, यदि हम उसको x²-9 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें क्या मिलता है, 3x+2 मिलता है। अगर मैं इसी बहुपद को x-3 से भाग दूंगा तब शेषफल क्या होगा, ये आपको निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं, अब दिया है यहाँ पर x²-9 जो है, क्या है आपका भाजक है ना, और ये fx एक भाज्य है जिसको हम भाग देंगे। ठीक है, भाज्य ठीक। अच्छा, ये हम जानते हैं सूत्र, इसमें शेषफल दिया हुआ है, शेषफल बराबर 3x+2। ठीक है, तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये होता है आपका। तो भाजक भाज्य हमारे पास चलो मान लो यहाँ पर दिया, रीडिंग पुस्तक में आपकी किताब में दिया है, भाज्य fx किसी बहुपद को भाग दे रहे हैं, भाजक दिया है आपका x²-9, भाजक चलो भागफल को मान लो मैंने ले लिया 2x। ठीक, शेषफल इतना दिया हुआ है 3x+2 दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए ये तो एक बहुपद हो गया। अगर वो बोल रहा है कि इसको x²-9 से भाग दे रहा, तो इस तरह से होता है। ठीक, इसको हम कुछ नहीं करेंगे है ना। चलिए आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है शेषफल प्रमेय के माध्यम से। यदि इसी बहुमत को हम x-3 से भाग देते हैं, अब fx की वैल्यू हमारे पास इतना मिल गया, fx की वैल्यू इतना मिल गया, तो इस fx को अगर मैं x-3 से भाग दूंगा तब क्या होगा, तो यहां पर हम चलते हैं शेषफल प्रमेय के माध्यम से है ना। तो यहां लिखना, यदि fx को x-3 से भाग दिया जाए है ना, तो शेषफल प्रमेय से हम क्या करेंगे, x बराबर ऋण 3 दिया है उसको धन 3 करेंगे, अर्थात p3 करना पड़ेगा। p मतलब यहाँ पर f 3 हो गया, तो ये नया शेषफल हमें मिल जाएगा है ना। ये हो जाएगा 3, यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 3x के स्थान पर 3 रख देंगे, 3 की घात 2 ऋण 9 गुना qx धन 3 × 3 = 2 हो गया ऐसा। ठीक, अब यहाँ 3 × 3 9 करेंगे, 9 में 9 क्या आगे 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 f3 = 3, तो टोटल 0 होगा, 0 × qx धन 3 × 9 और 2 कितना हो गया 11, तो हमें मिल जाएगा शेषफल कितना मिलेगा आपका, सिर्फ 11 मिलेगा आपका। ठीक है, तो यही शेषफल है आपका, यहाँ नीचे लिख सकते हो, जब इस बहुपद को x-3 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें कितना मिलता है, 11 मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बहुपद को या तो सर्वसमिका के माध्यम से गुणनखंड कर सकते हैं, या तो हम उसको मध्यम पद को प्रकार गुणनखंड कर सकते हैं है ना। ठीक है जी, तो चलिए उसके आधार पर हम गुणा करते हैं। चलिए बहुपदों का गुणनखंड, ठीक है जी, बहुपदों का गुणनखंड जैसे हम एक बार करते हैं, भाज्य गुणनखंड कैसे, 6 है, 6 हमारे पास, उसको 2 × 3 = 6 इस तरह से गुणनखंड करते हैं है ना, 2 × 3 ऐसा इस तरह से, तो ये एक गुणनखंड है आपका। जैसे 10 है तो लिखते हैं 2 × 5 ऐसा भाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड मतलब वो सम विषम जो
जैसे दो भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है, दो है, पांच अभाज्य संख्या है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनफल कहा जाता है। ठीक है, तो चलो इसमें जैसे अधिकतर आपको क्वेश्चन मिलेगा मध्यम पद को बांटकर गुणनखंड कीजिए, तो डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं पूछेगा, आपको सीधा बोलेगा गुणनखंड कीजिए ऐसा करके पूछेगा। और एक क्वेश्चन आपको जैसे आगे चैप्टर और पढ़ेंगे आप, जैसे द्विघाती समीकरण आप पढ़ेंगे तो भी उसमें यूज होगा, और यहाँ पर जो आप पढ़ोगे गुणनखंड मध्यम पद को जोड़कर वो बहुपद में भी रहेगा और वही बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें इस तरह से समीकरण का जैसे देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इस तरह से बहुपद का, है ना, का गुणनखंड करने को मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये तो द्विघाती बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। जब इसको आप वर्ग समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो यही इक्वेशन ये जो पॉलीनोमियल उसमें जीरो की इक्वल हो जाएगा, तो इसी का आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो अभी आपको गुणनखंड करने आ जाएगा, तो बस दो तीन पग आगे चल करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी से आप ये फर्स्ट चैप्टर में यदि गुणनखंड करना सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, है ना। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, देखिएगा, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी, है ना, तो इसमें हमको ऐसे जो राशि है द्विघाती समीकरण उसको हमको मध्यम पद को बांटकर तोड़ना है, तो कैसे तोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाला पद जो रहता है उस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि उसका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपका। ठीक है, इतना ही करना है बस आपको, उसको बस उसको दो भागों में बांट देना है, वहां जो कॉमन चीज है उभयनिष्ठ उसको आप निकाल देंगे, इस प्रकार वो दो खंडों में विभाजित हो जाता है आपका। ठीक है, क्या करेंगे, मध्यम पद को बांटकर गुणनखंड कीजिए ऐसा पूछता है, कभी कभार पूछता ही नहीं वैसा, सीधा गुणनखंड कीजिए करके पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, वही बीच वाले पद को तोड़ देंगे आप दो भागों में, जब द्विघाती समीकरण रहे द्विघाती बहुपद रहेगा तब, है ना, मध्यम पद को दो भागों में तोड़ देंगे, है ना, तोड़ने के बाद वो ऐसे तोड़ोगे आप कि उसका गुणनफल जो है वो अंतिम और प्रथम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक, जैसे ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, तो प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल अगर ये बीच वाले को तोड़ोगे दो भागों में, उनके गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हम सर्वसमीकरणों का उपयोग करके भी हम कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है। पहला ही नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं उसको। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ऐसा दिया हुआ है, बस आपको इसके जीरो के इक्वल ऐसा पढ़ोगे आप बाद में। ठीक है, जब आप द्विघाती समीकरण आप पढ़ेंगे तब, है ना, खंड तो वैसे कर रहे हैं जैसे गुणनखंड हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मध्यम पद को तोड़कर हम गुणनखंड करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर ऐसा दिया हुआ है, मध्यम पद कौन है, थ्री है, माइनस थ्री है ना भाई, तो आप क्या करना देखिएगा, मैं यहाँ पर एक रफली बना रहा हूँ, शुरू अंतिम पद और प्रथम पद को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या वन है, एक समझ समझिएगा, एक्स के कोफिशिएंट को आप लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं माने एक है, तो ये हो गया एक, और यहाँ पर गुणा ऋण चार। ठीक है, तो चार एवं कितना हो गया, ऋण चार हो गया, ये हो गया ना। अब मैंने क्या बताया, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल आया, है ना, तो मैंने क्या बताया था कि मध्यम पद को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उसका गुणनफल इसके इक्वल होना चाहिए, ये गुणनफल के बराबर होना चाहिए और ऋणात्मक भी आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर ऋण भी लाना है, ध्यान दीजिएगा, तो ऋण लाना है तो क्या करेंगे, ऋण चार और यहाँ पर धन एक कर दीजिएगा, ऋण चार गुना धन एक करूंगा तो ऑलरेडी ऋण चार ही आएगा, और ऋण चार में एक तोड़ रहे तो भागों में, है ना, तो यहाँ पर ऋण है मतलब समझ जाइएगा, यहाँ पर ऋण हमने लगाया मतलब समझना, जो भी इस बीच वाले को तोड़ोगे उसको घटाने वाला कंडीशन तोड़ोगे, घटाने वाला मतलब जैसे चार में घटाएंगे तीन आ रहा है,
जोड़ रहे क्या उसको? नहीं, चार में घटा रहे तो क्या रहे? तीन आ रहा है, मतलब हमने उसको घटाने वाला कंडीशन लगाया। घटाया तो यहाँ पर ऋण चार आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह देख के लगाना है। मान लो यहाँ पर धन रहता, ध्यान दीजिएगा बेसिक बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर धन रहता तो भी हम वही करते, तो भी हम वही करते, बट यहाँ पर थोड़ा चिन्ह परिवर्तन हो जाता, ये धन हो जाता ये ऋण हो जाता, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह है यहाँ पर, बड़ी संख्या का चिन्ह को रखना पड़ेगा धन, तब तो यहाँ पर धन आएगा ना भाई, गुना करेंगे तो ऋण ही आएगा यहाँ पर, गुना करने पर क्या आएगा? ऋण ही आएगा। कई बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है हम कैसे गुणनखंड करें करके, तो मैं ये बता रहा हूँ, चीज आप ध्यान रखिएगा। पहले आप क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम पद को गुना कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक। गुना करने के बाद बीच वाले को ऐसे तोड़ो, देखो यहाँ पर चिन्हों को देखिएगा, यहाँ पर ऋणात्मक के मतलब समझ जाइए कि बीच वाले को जब भी तोड़ेंगे हम उसको घटा के तोड़ेंगे, हमेशा नहीं, वो कंडीशन पर निर्भर करता है कि यहाँ पर जो अंतिम और प्रथम पद किस तरह से है, क्या धनात्मक है कि क्या ऋणात्मक है आपका, है ना, ऋणात्मक है इसलिए हमने इसको घटा के तोड़ा, चार में एक घटाया तो तीन आया, और यहाँ पर ऋण चिन्ह है इसलिए हम इसको यहाँ पर बड़ी संख्या को ऋण लगाएंगे, छोटी संख्या को धन लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें मैं क्या करूंगा, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी, ऐसा तो उसके कोफिशिएंट को हम लेके चलते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए ए बराबर हो गया एक, बी बराबर हो गया ऋण तीन, सी बराबर हो गया ऋण चार हो गया, ठीक है, सी बराबर क्या हो गया ऋण चार हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए मैंने बताया ए गुणा सी, ए गुणा सी मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल हो गया। अब बीच को मैंने तोड़ा ऋण तीन को, ऋण चार बने, ऋण चार में यदि मैं ऋण चार में एक घटा दूंगा तो ऋण तीन आएगा ना भाई, तो यहाँ पर ऋण तीन आ गया आपका, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, चलिए करते हैं यहाँ पर एक्स की घात दो, अब तीन को मैं चार और एक लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऋण चार और एक लिखूंगा, उनके साथ चलो एक्स भी लिख देता हूं, ऋण चार एक्स, ठीक है, धन एक्स ऋण चार, ऐसा लिखूंगा, ठीक है, समझ में आया है ना जी, ऋण चार एक्स धन एक्स हो गया आपका। अब इनमें से देखो इनको और इनको दो भागों में बांट दिए, अब भागों में बांटा है इसके बाद हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, उभयनिष्ठ में दोनों में जो कॉमन चीज है, तो एक्स दिख रहे चार तो यहां पर नहीं है, तो हम यहां से x का मान निकालेंगे, यहां बचेगा x, यहां बच गया ऋण चार, क्योंकि डबल x था x की घात दो था, एक तो x मैंने बाहर निकाला। सेम यहां पर करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा जब भी हम ब्रैकेट देखेंगे दो ब्रैकेट आएगा, वो ब्रैकेट बिल्कुल समान आना चाहिए, अगर मान लो समान नहीं आया तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक। तो यहां पर कोई भी चीज का मान निकालने लायक नहीं दिख रहा है, उस परिस्थिति में आप एक निकालेंगे, यहां बच गया ब्रैकेट लगा करके x ऋण 4 लिख दीजिएगा, ठीक। तो बिल्कुल देखिएगा इस पार्ट से और इस पार्ट से ये दोनों ब्रैकेट जो है बिल्कुल समान आया, आया अब समान आया, तो इनमें से हम क्या करेंगे, पुनः हम इसका उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो इन दोनों में से दोनों पदों में चार पद था उसमें दो पद हमने लाया, तो x ऋण 4 यहां से x ऋण 4 दिख रहा है उसको आप कॉमन निकाल दीजिए, x ऋण 4 बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास, यहां से बचा x, यहां से बचा एक बच गया, ठीक। तो ये है आपका अभीष्ट गुणनखंड इस बहुपद का, ठीक है। तो यहां तक तो आप पढ़ लिए, इसके आगे दो पद आगे और बनाना रहता है, जब आप समीकरण वर्ग समीकरण आप पढ़ेंगे तो ये चीज तो पहले आना ही चाहिए ना आपको, कि गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करना रहता है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, चिन्हों को विशेष ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, है ना, तब क्या करेंगे यहां पर देखिएगा, फिर वही प्रक्रिया बनाते हैं जैसे हम करते हैं, तुलना करते हैं, ए बराबर सुने यहां कुछ नहीं, उसको कोफिशिएंट पर गुणा एक है, यहां पर बी का मान भी एक ही है, सी का मान ऋण 12 दिया हुआ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं जी, यहां पर हम करते हैं देखो ए गुणा सी कर दीजिएगा, ऐसा ए गुणा सी माने प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनखंड, गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 गुणा माइनस 12
कितना हो जाएगा 12 एकम 12 ऋण 12 है, मतलब यहाँ पर ऋणात्मक है, मतलब समझ जाइएगा कि बीच वाले पद को हम उसको घटाने वाली स्थिति में तोड़ेंगे। तो चलो बना कैसे करते हैं, तोड़ो यहाँ पर एक आना चाहिए, कैसे चाहिए, चार में तीन घटाएंगे तो एक आएगा, चार में तीन घटाएंगे तो एक आएगा, और चार और तीन को गुना करो बोलो चार तीन बार आ रहा है, दोनों आ रहा है कंडीशन। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे छह गुना दो छह दूनी बारह होता है, चार गुना तीन चार तीन बारह होता है, और होते किसी बार तो छह में दो घटाएंगे तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, चार में तीन घटाएंगे तो बिल्कुल एक आएगा, आएगा तो मैं यहाँ पर चार और एक कर दिया, क्या कर दिया चार और एक कर दिया है ना। अब चार और एक किया मैं यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर देखिए धन संख्या यहाँ पर धन है, घटाने वाला कंडीशन तो लाना ही है कि यहाँ पर ही नहीं, मतलब घटाने वाला कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो धन चिन्ह है, तो बड़ी वाली संख्या को धन चिन्ह लगाओ, छोटी वाली संख्या को ऋण चिन्ह लगाओ, यहाँ ऋण रहता तो छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या को ऋण लगाते हैं, छोटी वाली संख्या को धन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ जो चिन्ह है उसको बड़ी वाली संख्या में लगाना है, यदि यहाँ पर ऋणात्मक आया मैंने घटाने वाला कंडीशन आया तब, ठीक। तो ये हो गया ऋण धन चार ऋण एक हमने तोड़ा तीन में तोड़े थे, सॉरी तीन में तोड़ेंगे तो चार किया बारह, ठीक। तो चलिए लेते हैं चार में तीन घटाएंगे तो एक आएगा, अब उसे गुणित दीजिएगा क्या x की घात दो, इनके स्थान पर मैं ये कंडीशन लिखूंगा क्या धन चार x हो गया, साथों में उसके साथ में x लिखेंगे माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व हो गया, ठीक है। तो देखो चार धन चार एक्स में तीन तीन एक्स घटाऊंगा तो हमारे पास बचेगा ओनली वन एक्स बचेगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में आपका एक्स दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है चार तो नहीं है, यहां से निकालेंगे एक्स और यहाँ बच गया एक्स धन चार बच गया, एक्स मैंने कॉमन निकाला एक्स धन चार बचा यहाँ पर, ठीक। आगे इनमें से मेरे ख्याल से कुछ भी कॉमन निकालने लायक नहीं है, हम करते हैं वन कॉमन निकालेंगे है ना, तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस भी हम निकाल रहे हैं तो ये बच गया आपका तीन एक्स, और ये माइनस यहाँ से भी निकल गए थे यहाँ बचेगा प्लस, ठीक है। पर यहाँ कंडीशन देखिएगा चार ये बारह है आपका ना, हमको लाना है माइनस ट्वेल्व है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना होगा तीन, सॉरी यहाँ पर बारह है, यहाँ पर निकलेगा आपका तीन निकलेगा आपका कितना निकलेगा तीन, ठीक है। तो तीन निकलेगा कॉमन तो यहाँ पर क्या बचेगा तीन, यहाँ से निकल गया पूरा कंप्लीटली, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ ऋण तो कॉमन निकल चुका है यहाँ पर, यहाँ बचेगा धन चार बच गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों ऋण हमने बाहर निकाला यहाँ पर बचेगा धन, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल समान आया तो एक्स धन चार को बाहर निकाल दीजिएगा, कॉमन निकाल देते हैं क्या बचेगा आपका एक्स ऋण तीन बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर मिल गया अभिष्ट गुणनखंड, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करोगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।